जय यीशु। ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और इस समय हम यीशु दरबार की आराधना में आए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसकी आराधना करते हैं तो हृदय से, मन से और आत्मा से करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है। वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना मन से करते हैं, दिखाने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, परंतु मन से उसकी आराधना करते हैं। वो परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है और इसीलिए ये कुर्सी यहाँ पर लगी हुई है, जिसको कि हम बोलते हैं दया की कुर्सी। ये इस बात का प्रतीक है कि यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित है। हम प्रार्थना करेंगे, अपने हृदयों को झुकाएं। जब हम कहते हैं आँखें बंद करो तो इसके ये मतलब नहीं है कि हम चाहते हैं कि आप देख ना सकें, पर इसके अर्थ ये हैं कि आपका मन इधर उधर ना भटके, इधर उधर मत ताकिए और प्रभु की ओर ध्यान लगाइए। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे मध्य में उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना ये प्रभु जी कि जो कुछ भी हम यहाँ कहते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं और जो कुछ भी वचन बाँटते हैं और जो कुछ भी आराधना के गीत गाते हैं, वो सब आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। यीशु मसीह के नाम में इसको मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। जय यीशु। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हम विशेष रूप से परमेश्वर के वचन में से, अभी आपको ताली बजाने का और समय मिलेगा तब आप बजा लीजिएगा, पर हम विशेष रूप से प्रभु के वचन में देखना चाहते हैं, जो कि इफिसियों की पत्री, एक शहर था जिसका नाम था इफिसुस, जैसे तुम्हारा शहर इलाहाबाद है जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ से तुम आए हो, गांव से जहाँ से आए हो तुम्हारे गांव का नाम होगा, उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा शहर था जिस अभी भी है, जिसका नाम है इफिसुस। और इफिसुस में जो लोग परमेश्वर की उपासना करते थे वो एक साथ मिलते थे, जैसे कि तुम सब यहाँ पे बैठे हो, आप सब लोग आए हो एक साथ बैठकर मिलकर प्रभु यीशु मसीह की उपासना आराधना करने के लिए आए हो, उसी प्रकार इफिसुस में भी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में एकत्रित होते थे। और जब यीशु मसीह के नाम में लोग आते हैं तो उसको हम यीशु मंदिर बोलते हैं, उसको हम चर्च बोलते हैं, कलीसिया बोलते हैं और मंडली बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे ये तुम्हारी मंडली है, जैसे ये तुम्हारा यीशु दरबार है, जैसे ये तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह के मिलने का स्थान है, वहाँ पर लोग आते थे। और वहाँ पर एक प्रभु का भक्त जिसका नाम संत पौलुस था, प्रभु यीशु मसीह का जो चेला था, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी आँखों से देखा, जिसने प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को अपने कानों से सुना और जिसने कि यीशु मसीह का विशेष अभिषेक पाया। अभी कल इतवार है और कल हम यहाँ पर जो सभा कर रहे हैं उसमें बाबा जी को जो यीशु मसीह ने विशेष अभिषेक दिया है उसका समारोह हम मनाएंगे, उसकी यादगार में, जिस दिन वो हुआ था आज से 3 साल पहले, उसकी यादगार में हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और वो अभिषेक उसी प्रकार से पौलुस को यीशु मसीह ने दिया और यीशु मसीह ने उसको ये क्षमता दिया, उसको ये आत्मिक वरदान दिया और ये एक बहुत बड़ा कार्यभार दिया कि वे परमेश्वर जो कुछ कहता है और बताना चाहता है उसको लिखे। हर व्यक्ति ये नहीं कर सकता है। आप अगर करना चाहें तो आप ये नहीं कर सकते। परमेश्वर का जो वचन है वो पौलुस के पास और यीशु मसीह के दूसरे चेलों के पास जो उस समय उसके साथ रहते थे, उनको ये अधिकार, ये दान, ये वरदान दिया गया था, तो पौलुस को भी दिया गया था। अब यहाँ पर पौलुस जो लिख रहा है वो हम सबको लिए परमेश्वर का वचन लिख रहा है। किसका वचन लिख रहा है? किसका वचन लिख रहा है? परमेश्वर का। किसका? हमें सुनाई नहीं दे रहा। किसका? परमेश्वर का वचन लिख रहा है और जो परमेश्वर से उसे सुना है उसको वो लिख रहा है ताकि हम उसको समझें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके पहले पद से, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है,
इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुगंधदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस पर अपने आप को हमारे और आपके लिए बलिदान कर दिया। अब ये यहाँ पे क्रूस रखी हुई है, हम इसको देख रहे हैं, यहाँ पे लकड़ी की बनी हुई, काठ की बनी, किसी ने बनाया है इसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि यीशु मसीह इसी प्रकार की एक काठ की बहुत बड़ी लकड़ी थी, बहुत ऊंची, इससे 3-4 गुना ऊंची होगी। और वहाँ पर यीशु मसीह को पहले वो क्रूस को नीचे ज़मीन पर लटा दिया गया, यीशु मसीह को उसके ऊपर लिटाया गया और उनका हाथ पैर ऐसे करके तान दिया गया और फिर हाथ में कीलें ठोकी, पैर में कीलें ठोकी और जड़ दिया लकड़ी पर। उसके बाद उस लकड़ी को उठाकर खड़ा कर दिया और यीशु मसीह क्रूस पर क्या हो गया? टंग गए। अब इसको सोचिए कि कितना बड़ा उनके पेन दर्द हुआ होगा, कितना कष्ट और कितना पीड़ा हुई होगी, कितना खून बहा होगा, परंतु उन सारी चीज़ों को होने के बावजूद भी यीशु मसीह क्रूस पर टंग गए और घंटों टंगे रहे। अब हमारे सामने प्रश्न ये होता है भैया कि ये यीशु मसीह क्रूस पर क्यों टंग गए? और वहाँ पे जो भी हमने पढ़ा उस पद में, वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को एक सुगंधदायक बलिदान के रूप में, बलि के रूप में, वो हमारे लिए क्या हो गया? बलि बन गया। अपने आप को उसने क्रूस पर चढ़ने दिया, दूसरों ने चढ़ाया उसको, आरोप लगाए उसके ऊपर, उल्टी सीधी बातें कहीं, किसी ने झूठी झूठे आरोप उसके ऊपर लगाए। हमारे तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगते हैं तो हम लोग बड़ा नाराज हो जाते हैं, हाँ, मारने पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं, मुकदमे कर देते हैं। किसी ने तुम्हारे घर के बगल में, पड़ोसी ने कुछ कहा तो तुमने क्या किया? बाहर निकल के उनको गरियाना शुरू कर दिया, उल्टा सीधा बोला, और अगर मारने पीटने की नौबत आ गई तो वो भी कर दिया। और यहाँ पर यीशु मसीह जो कि परमेश्वर की संतान है, जो कि परमेश्वर के पुत्र हैं, उनको यहाँ पर परमेश्वर ने जगत में भेज दिया कि वो हमारे और तुम्हारे पापों के लिए क्या हो गए? बलिदान हो गए। अर्थात उन्होंने तुम्हारे और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर का वचन बताता है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। जैसे मजदूर क्या करता है? मजदूरी कमाता है ना, वो जाता है बाजार में खड़ा होता है और जो लोग अपना मकान उकान बनवाना चाहते हैं, कोई चीज़ बनना है, वो उसको बुलाते हैं, देखते हैं भैया ये तगड़ा है कि नहीं, उठाए लेगा बोझा कि नहीं, कितना देर काम कर सकता है, देखते हैं भैया हाँ अच्छा काम कर सकता है, कितना लोगे उसने बताया, 300-500 जो भी उसने मजदूरी बताई वो तय कर दिया। उसके बाद हम उसको लाते हैं, दिन भर अपना मजदूरी करता है, जब मजदूरी ख़त्म कर लेता है, काम ख़त्म कर लेता है, तो क्या करते हैं? उसको मजदूरी देते हैं, जो उसने किया उसको वो कमाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है पाप की मजदूरी, चाहे तुम एक पाप करो या 10 पाप करो, और क्योंकि तुम पाप तुम्हारे स्वभाव में है इसलिए तुम स्वभाव ही से पापी हो। उसका रिजल्ट, उसकी मजदूरी क्या है? मौत है। परमेश्वर से अलगाव, हम लोग समझते हैं मौत के मतलब, सोचते हैं कि शरीर मर जाएगा और तो रोते पीटते हैं, सोचते हैं वो मृत्यु है, वो तो पहली मृत्यु है। जो शरीर से अलगाव है वो तो पहली मृत्यु है, आत्मा का क्या होगा? और परमेश्वर का वचन बताता है पाप के कारण तुम्हारी आत्मा परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग होकर आग की झील में डाल दी जाएगी, जलते रहोगे परंतु मरोगे नहीं। अभी आज एक भाई आए थे आज, उन्होंने बताया कि उनके पैर में कहीं कुछ जल गया था, किसी गर्म चीज़ से छू गया था और हफ्तों हो गए अभी तक ठीक नहीं हुआ, बड़ा दर्द होता है, ठीक हो रहा है पर धीरे धीरे हो रहा है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है, इतना सा छोटा सा जलना हुआ है पर उसमें तकलीफ़ बहुत होती है। अब इसको सोचो कि तुम आग के झील में डाल दिए जाओ, कितना तकलीफ़ होगा।
और परमेश्वर से अलग हो जाओगे हमेशा के लिए, वहाँ कोई शांति नहीं है, वहाँ कोई प्रेम नहीं है, वहाँ कोई आराम नहीं है, वहाँ कष्ट ही कष्ट है, हमेशा के लिए कोई सुनने वाला नहीं, वो मृत्यु जो है वो अंतिम मृत्यु है। और जब बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये उस आत्मिक अलगाव की बात कर रहा है जहाँ पे कि हमारा संबंध विच्छेद परमेश्वर के साथ सदा के लिए हो जाएगा। दोबारा हम उससे दुआ करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, कुछ भी करेंगे, पहुँच ही नहीं सकते उसके साथ। प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप की मजदूरी को क्या किया, अपने ऊपर ले लिया और पाप के कारण उसका पिता से संबंध विच्छेद हो गया। और बाइबल बताती है हमें मत्ती रचित समाचार में कि जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे तो बहुत जोर से चिल्लाकर उन्होंने कहा, एलोई एलोई लामा शबक्तनी। आरामी भाषा में इसका मतलब हिंदी में है, हे मेरे परमेश्वर पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये बिछड़ना जो परमेश्वर के पिता के साथ हुआ, ये एक इतना बड़ा दुख है कि जिसको तुम और हम समझ नहीं सकते। अभी एक माँ कुछ दिन पहले आई थी और बता रही थी कि उसकी बहू ने एक बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा जो है अस्पताल में पैदा हुआ और अस्पताल में कुछ समय के रहने, यहाँ इलाहाबाद की घटना, ये सच्ची घटना इसी साल की, और अस्पताल में कुछ घंटे के बाद डॉक्टर ने उसको लिख कर दे दिया कि लड़का जो है, बच्चा जो है क्या हो गया, मर गया है। कितना दुख माँ को हुआ, सोचो इसको, कितना दुख हुआ, रोना पीटना, हाहाकार मच गया, सब चिल्लाने लगे हैं भैया, गाना वाना गाने लगे, रोने वाला जो होता है सब चिल्ली पुकार सब होने लगा। हाँ, बहुत छोटा सा बिछड़ना। और यहाँ परमेश्वर उस बिछड़ने की बात कर रहा है जो हमेशा का है। हम चिल्लाते रहेंगे परमेश्वर के पास आने के लिए, वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। और यीशु मसीह क्रूस पर कहते हैं हमारे तुम्हारे पाप को अपने ऊपर लेके, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसके बाद क्या करते हैं, कब्र में डाले जाते हैं। ये ऐतिहासिक सत्य है। आज की जो तुम्हारी तारीख है, आज की कौन सी तारीख है बताओ, क्या है, खड़े होके बताओ जोर से, हाँ, 31, 21, 31 कि 32, 32 नहीं है, 31 तारीख है। कौन सा महीना है, खाना खाए हो कि नहीं, आवाज़ नहीं निकल रही तुम्हारी, अच्छा कौन सा महीने का नाम बताओ, हाँ, नवंबर, अक्टूबर, 31 तारीख अक्टूबर की, और कौन सा साल है ये, 2015, के मतलब तुम्हें क्या है, कहाँ से आए ये, ये यीशु मसीह के जी उठने की तारीख है। जब यीशु जी उठे तो ये तारीख शुरू हो गई, लोगों ने गिनना शुरू कर दिया, और आज की तारीख में, आज के दिन पूरा विश्व, हर भाषा के लोग, हर जाति के लोग, हर देश के लोग, संसार का पूरा इतिहास इस बात को मानता है कि 31 अक्टूबर 2015 वर्ष पूर्व यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। जय यीशु, अब ताली बजाओ। अब समझ में आया। और यहाँ पे यीशु मसीह ने वो क्या कहता है, एक बलिदान के रूप में उसने हमारे और आपके पापों के लिए अपने को दे दिया, और जब वो जी उठा तो हम जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, हम भी उसके साथ क्या होंगे, जी उठेंगे, और उसके लिए सदा उसके साथ वास करेंगे। और यहाँ पे पौलुस इसीलिए कहते हैं, हे मेरे, हे प्रियो, बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। कि अनुकरण के मतलब पीछे भागना, बच्चे किसके पीछे भागते हैं, हाँ, तुम्हार छोटा लड़कवा बच्चा गदेला किकरे पीछे भागत है, अम्मा के पीछे भागत है, काहे का पता है कि अम्मा के पास सब दूध बास, अम्मा के पास खाना बा,
एली जो है तुम्हार छोटा लड़कवा अम्मा के पीछे भागेगा, हमारे पीछे ना भागेगा। हो सकता है अगर हम टॉफी लेके होगा दिखाई दे तो हमारे पीछे भी भागे लगे। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको किसके पीछे भागना, हमारा पिता कौन है, परमेश्वर पिता है, उसके पीछे चलो, उसकी बात को सुनो, उसके वचन को सीखो, उसकी आज्ञाओं को मानो, उसके ऊपर विश्वास करो। अब यहाँ पे क्या कहता है, परमेश्वर का अनुकरण करो, उसके पीछे चलो और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया। भैया ये प्रेम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी चीज़ है। अगर तुम प्रेम नहीं सीखे हो और सब कुछ सीख लियो तो सब बेकार है, और अगर प्रेम सीख ले हो तो चाहे कुछ ना सीखो सब सही है। भैया जाग रहे हो कि नहीं, सुनाई पड़ रहा है, जागल बा कि सुतल बा? अच्छा, हमका लगा था एक ही जाग रहा है, जोर से बोल रहा, बाकी नहीं बोल रहे हैं। प्रेम में चलो, प्रेम का अनुकरण करो। यीशु मसीह ने प्रेम कैसे दिखाया, क्रूस पर उसने तुम्हारे और हमारे लिए क्या किया, अपनी जान दे दी। हम जो उसको नहीं जानते थे, मैं तो आज पैदा हुआ हूँ, मुझे 2000 साल पहले यीशु मसीह को मैं कहाँ जानता था, पैदा ही नहीं हुआ था। परंतु उस समय यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर जान दे दिया ताकि आज जब मैं उसके पर विश्वास करूँ तो मुझे पापों की क्षमा, अनंत जीवन मिल जाएगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम का अनुकरण करो जैसा कि यीशु मसीह ने किया। उसने क्या किया, उसने अपने आप को हमारे और तुम्हारे लिए बलिदान कर दिया। अब तुम बगल वाले को मिठाई नहीं खिला सकते हो, हाँ जो तुम्हारा पड़ोसी है कभी कभी तुम उसको खिला देते हो पर अंदर से अंदर तुम्हारा मन नहीं करता है। उसके यहाँ कोई चीज़ अच्छा हुआ तो तुमको जलन होता है, अरे उसके यहाँ ये कैसे हो गया, मेरे यहाँ ये नहीं हुआ, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, गाली, घृणा, ये सारी चीज़ें परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हैं। और यहाँ पर पौलुस अपने वचन में कहते हैं, परमेश्वर के वचन में, कि हम यीशु मसीह के पीछे चलें। अगर यीशु दरबार में आए हो और तुमको चंगाई अगर नहीं मिल रही है तो ये हो सकता है इसलिए ना मिल रही हो क्योंकि तुम्हारा हृदय सचमुच में यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहा है। यहाँ से तुम पलट के जाओगे और दूसरे के पीछे चलने लगोगे, यहाँ से पलट के जाओगे कहीं और धागा बंधवा लिया, यहाँ से पलट के जाओगे कहीं और पूजा दिया, यहाँ से पलट के जाओगे कहीं और ओझाई करवा लिया, इसलिए तुमको चंगाई नहीं मिलती है। और अक्सर यहाँ पे आओगे, यहाँ शैतान की उपस्थिति है ही नहीं, वो भागता है यहाँ से, और जब वो भाग जाता है वो तुम बाहर निकलते तुमको पकड़ लेता है। वो क्यों पकड़ लेता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह ने ये कहा, यदि जो मुझको ग्रहण करता है, तुमको ग्रहण करना है उसको। अब हम तुम्हारे घर में आए और तुम हमसे कहे बाबा जी हम आपको ग्रहण कर रहे हैं, हमारे घर में आ जाइए, और दरवाज़ा ना खोलो, दरवाज़ा तुम्हारा घर का बंद है, और हमका तुम बरांडे पे खड़े हो कह रहे हो हमारे घर आ जाइए आप। हम कहे भैया कैसे आ जाएं, अरे आ जाएं आप अंदर आ जाएं। अरे भैया कहाँ से आए, दरवाजा तो बंद करे हो, कहा खुलबो कि नहीं, जब दरवाजा ना खुलबो तो हम अंदर कहाँ से आ जाइए। वही प्रकार से जब आपन दिल के दरवाजा ना खोलबो, यीशु मसीह के अंदर ना आए देवो तो तुमका कोई कल्याण ना मिलेगा। तुम बाहर है बाहर जय यीशु करके चले जाबो। अक्सर होता है यहाँ पे लोग आते हैं, दुष्टात्माएं निकलती हैं, चले जाते हैं, और घर पे आके फिर वहाँ से हमको रात में फ़ोन कर भैया दरबार में रहे तो सब कुछ ठीक रहा, और अब जो है 2 घंटा है हुआ अपन घर में आए, एक झाड़ दे जरा का बोआ। अरे वो दुष्ट आत्मा हमका लग शैतानी हरकत बा, बहुत बार सुनते हैं, हमारे फ़ोन में 50 फ़ोन कॉल आती रहती हैं, भैया बाबा जी शैतानी हरकत बा। कौन चीज़ की शैतानी हरकत बा, हमका नहीं पता, दरबार में आए रहे चंगाई मिला पर अब पता नहीं क्या होएगा, क्या हो गया, इसलिए कि तुम्हारे हृदय में यीशु मसीह नहीं आए हैं। जहाँ यीशु मसीह की उपस्थिति है, जहाँ यीशु मसीह आए जाएंगे वहाँ पर शैतान फटक ही नहीं सकता।
को ध्यान से समझो। जब यीशु मसीह तुम्हारे घर में आए गए और खटिया पे बैठ गए वहाँ पर, तो दूर दूर तक शैतान का कहीं पता नहीं मिलेगा, दुष्ट आत्माओं का नाम ही नहीं होगा। दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर इसलिए सवार है क्योंकि तुमने अपने हृदय का द्वार यीशु मसीह के लिए नहीं खोला है। और आज तुम्हारे पास वो मौका है। कुछ नहीं करना है तुमको, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई दान पुण्य करे की ज़रूरत नहीं बा, कोई धागा पागा बांधे कुछ नहीं ज़रूरत बा। और कभी भी पैसा देकर दुआ कभी मत कराना, वो झूठी है। पैसा देकर कभी परमेश्वर के पास मत जाना, वो गलत है। वो परमेश्वर तुम्हारी कभी नहीं सुनेगा। परमेश्वर को तुम खरीद नहीं सकते, उसका सिर्फ एक मार्ग है, वो है विश्वास। परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे दिया। तुमको सर्टिफिकेट मिल गया विश्वास के द्वारा, अगर तुमने उसको ग्रहण किया। ग्रहण के मतलब दरवाज़ा खोल दिया, हे प्रभु मेरे जीवन में आए, और विश्वास से तुमने वो बोल दिया। एक ही बार बोला पर विश्वास से बोल दिया, यीशु मसीह तुम्हारे अंदर आ गए। अगर तुमने विश्वास से ये बोल दिया हे प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर आए, 14 साल की उम्र में, बहुत साल पहले मैंने यीशु मसीह से कहा हे प्रभु, पलंग के किनारे घुटने टेक कर बैठ गया और ये कहा यीशु मसीह मेरे हृदय में आ जाइए, और उस दिन यीशु मसीह मेरे हृदय में आ गए। और अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, सफ़ेद दाढ़ी हो गई है, यीशु मसीह अभी भी मेरे साथ है। जय यीशु। आज ये मौका तुम्हारे लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करोगे, रोमियो उसका 10वां अध्याय उसका 8, 9, 10 पद, यदि तू यीशु मसीह को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करे और हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जी उठाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, तो तू निश्चय उद्धार पाएगी। आज तुम अपने मुंह से कहो हे प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आए, सच्चे दिल से कहो, झूठे दिल से नहीं, सच्चे दिल से कहो, पूरे आत्मा प्राण देह से लगन के साथ ये कहो, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दो। और यहाँ से निकल के इधर उधर मत भटको, तुम्हारे घर में परमेश्वर की उपस्थिति होगी, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे घर में विराजमान होंगे और तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष आएगी, और शैतान तुम्हारे पास मीलों तक नहीं फटकेगा और दूर से खड़ा होकर चिल्लाएगा, दोष लगाएगा, परमेश्वर के पास जाके कहेगा देखिए ये व्यक्ति ऐसा ऐसा है, पर वो तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो इस समय हम प्रार्थना करेंगे, अपने मनों को शांत करें, आँखों को बंद करें और ध्यान दें, इधर उधर की मत सोचो ना इधर उधर देखो। और यदि आज तुम उसको ग्रहण करना चाहते हो यीशु